लामा फेरा, आप लोग सब यहाँ लामा फेरा के बारे में कुछ लोग जानने आए हैं, कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं, है ना, तो थोड़ा सा ब्रश अप करने भी आए होंगे। तो आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बहुत ही हाईली इफेक्टिव एक्चुअली जो लामाज होते हैं आज के जमाने में, हम लामाज को देखते हैं इस तरह का मरून रोग, एक येलो कलर का ओढ़ना, ऐसे ओढ़ के माला लेकर वो बैठे हुए आपको दिखेंगे या भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं, हम उनको लामाज बोलते हैं, है ना। और लामा फेरा, तो जो लामाज हैं, जो फेरा लेकर हमारी तकलीफों को दूर करते हैं, उन्हें हम लामा फेराज जो पद्धति है उसे कहा जाता है। ये भगवान बुद्ध की बनाई हुई पद्धति है, है ना। तो चलिए सबसे आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिनका जिनके यहां से आवाज आ रही है, डोंट मेक मी म्यूट यू, मुझे पसंद नहीं है किसी को चुप करना, आप अपने आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मुझे करना पड़ेगा नहीं तो। I can't see who's unmuted. चलिए, never mind. Okay, so बाहर की आवाजें बंद हो चुकी हैं, अब हम अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम भगवान बुद्ध का ध्यान करेंगे। उनका जो मूल मंत्र है, जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, यूट्यूब पे भी बहुत आता है और बाकी भी बहुत लोग इसको जानते हैं, सुनते रहते हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, भगवान बुद्ध को की मूर्तियां जब आप लोगों ने देखी होंगी तो अलग अलग मुद्राओं में देखी होंगी, कुछ में उनके हाथ इस तरह से होते हैं, कभी ये ऐसे होते हैं, कभी इस तरह से होते हैं, तो ये मुद्राएं होती हैं। और आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, अगर आप अपने लैप के ऊपर जनरल अपने ऐसे हाथ ऊपर की तरफ, हथेलियों को ऊपर की तरफ रख के बैठना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप शिव शक्ति मुद्रा में बैठ सकते हैं, आप शंभावी मुद्रा में बैठ सकते हैं, आप जो मुद्रा आपको ईजी हो या जो समझ आए, ध्यान मुद्रा जिसमें भी आप बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले भगवान बुद्ध का आह्वान करते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और उनका आह्वान करना बहुत जरूरी है, हमें अपने आप को उनके आगे सरेंडर करना जरूरी है, तभी वो चैनल हमारा खुलेगा इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो चलिए आप सबके लिए मैं मंत्र लगा देती हूँ। लंबी गहरी सांसें लेंगे, आपकी हर सांस आपके नाभि तक जानी जरूरी है, कंधों को पीछे की तरफ खींच के रखेंगे ताकि आपका स्पाइन जो है वो सीधा हो सके। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इमेजिन कीजिए लॉर्ड बुद्धा आपके सामने हैं, आप उनके आगे अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं और वो उन्होंने आपको अपने हार्ट में रखा है एक लोटस फूल के रूप में, कमल का फूल जिस तरह से होता है, उन्होंने अपने हार्ट में आपको रखा है और जो भी नॉलेज वो आपको दे रहे हैं वो आपको इस रियलाइजेशन के लिए दे रहे हैं कि आपका इस
दुनिया में आने का पर्पस क्या है, आपको क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, किस दुख को आपको हटाना है, किस कर्म को पूरा करना है, वो सब आपको नॉलेज दे रहे हैं। और इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड बुद्धा के आगे सरेंडर करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए। तो आप लोग सब तैयार हैं, आंखें खोल सकते हैं। सब लोग रेडी हैं, थम्स अप दे दीजिए, हार्ट्स दे दीजिए, ताकि मुझे पता चले मैं आगे बढ़ूं। ग्रेट, विनय जी का तो आ गया। रश्मि जी, थैंक यू थैंक यू। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम अंशु केशव अग्रवाल है, मैं मुंबई में रहती हूँ, ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ, ग्रैंड मास्टर हीलर और टीचर हूँ मैं, लामा फिरा हूँ, कारा विथ हलीम, NLP भी सिखाती हूँ, ग्रैंड मास्टर हूँ उसमें भी, प्रैक्टिशनर हूँ, मेडिटेशन कोच हूँ, हीलिंग्स करती हूँ और टीचिंग्स करती हूँ। ग्रेट भावना जी, थैंक यू। सो पैशन है ये मेरा, हीलिंग्स एक कॉलिंग होती है हर इंसान की, आप लोगों में भी होगा कि कुछ और काम करते हैं लेकिन जब वहां से कॉलिंग आती है यूनिवर्स से तो आप सब कुछ छोड़ के बस उसमें लीन होना पसंद करते हैं। वैसे मेरा बैकग्राउंड इंटीरियर्स का है, मेरी अपनी कंपनी है, शोरूम है, लेकिन बस एनर्जीज ने बुला लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, बहुत लोगों को पता होगा बट आई वुड लाइक कि थोड़ा आप लोगों के एक ब्रशअप हो जाए इस तरह से, 5 मिनट का लगेगा इसमें। सब जानते हैं गौतम बुद्ध का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वो एक राजकुमार थे, लुम्बिनी करके एक जगह है नेपाल में, अब उसको नेपाल कहा जाता है रादर, वहां के वो राजकुमार थे। लेकिन जब वो बॉर्न हुए, जब पैदा हुए, तो साधु ने भविष्यवाणी करी कि ये जो है दो चीजें होंगी इनकी लाइफ में, या तो ये बहुत ही अच्छे राजा बनेंगे जिनका कोई सानी नहीं होगा, या फिर ये स्पिरिचुअल पाथ पर चले जाएंगे। गायत्री जी पहले क्लास होने दें, हम क्वेश्चन आंसर्स बाद में लेंगे, फिर हम बात करेंगे आराम से। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक जो बताना चाहती हूँ लामा फिरा के बारे में, पहले आप लोग वो जान लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब राजकुमार है, एक ही राजकुमार है, तो ऑब्वियसली एक होता है कि पिता का जो दिल होता है वो यही चाहेगा कि वो एक बहुत अच्छा राजा बने, इतनी संपन्नता में रहे। तो उन्होंने उनकी सारी पढ़ाई, दीक्षा, शिक्षा जो भी था वो सब महल के ही प्रिमाइसिस में कर पाई। लेकिन जिसकी कॉलिंग होती है, जैसे मैंने कहा, जब एनर्जीज आपको कॉल करती हैं, जब यूनिवर्स आपको कॉल करता है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह से उनके साथ भी हुआ। एक दिन उन्होंने जिद करी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे देखना है कि मेरा किंगडम कैसा है, लोग कैसे हैं। तो उनको एक स्पेशल सारथी असाइन किया गया और उसे भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि भाई तुम कुछ भी इनके सामने आना नहीं चाहिए, कोई भी दुख, दरिद्रता या किसी भी तरह का, जिससे ये सोचने को मजबूर हो जाए कि एक अलग दुनिया भी है। सब हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। आगे जैसे ऐसे बढ़ते गए, उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, वो उन्होंने रजिस्टर किया। उसके बाद उन्हें एक डेड बॉडी दिखी, उसके बाद एक बीमार आदमी दिखा जिसको कोढ़ हुआ हुआ था, और फिर एक उनको साधु दिखा। अब जो ओल्ड आदमी था, जो बहुत बूढ़ा था, तो वो झुक के चल रहा था, तो उन्हें तब समझ आया कि बच्चा बड़ा और बूढ़ा होके इंसान मरता है, तो ये जो साइकिल है लाइफ की, ये उससे उनको समझ आया। फिर एक डेड बॉडी की, मरता है तो किस तरह से शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा रहती है। फिर जब बीमार आदमी मिला, तो उसके दुख है, क्यों है ये बीमार, क्यों है, कोई तो रीजन होगा। ऐसे तो जब हम पैदा होते हैं तो सब स्वस्थ ही पैदा होते हैं, तो इंसान बीमार क्यों होता है, वही तो मेन रीजन है ना कि हमारे साथ ये सब क्यों होता है। हम लोग दिन में 10 बार ये सोचते होंगे, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, या किसी ने हमें कुछ कह दिया, या हमारे पास पैसे खत्म हो गए, या बीमार पड़ गए, कुछ भी है तो मन में तो ये आता ही है ना।
ये हमारे साथ क्यों हुआ। तो वो जो पर्पस है आपके साथ कुछ होने का, कोई ना कोई तो पर्पस होगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा, तो वो जानना बहुत जरूरी है। फिर उन्हें जब वो साधु दिखा और साधु के आगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और वो जो साधु है वो अपने पास बुलाता है, उनकी उनसे बात करता है, कुछ पानी जड़ी बूटी या कुछ भभूत देता है, और वो लेके चले मतलब वो जो पेशेंट है या जो भी कहे उनके फॉलोअर्स थे, वो लेके चले आते हैं और बड़े खुशी खुशी जा रहे हैं। जब उन्होंने उनके बारे में पता किया तो पता चला कि ये साधु हैं और ये लोगों को हील करते हैं, हील मतलब उनके दुख दरिद्र हटाते हैं। तो वो भी एक दिमाग में पॉइंट घुस गया उनके कि भाई ये सब क्या है। घर वापस आए, ये सब चीजें जब सोचा है उन्होंने, सोचने का उनका जो पाथ है वो खुल गया, थिंकिंग प्रोसेस खुल गया। और इस थिंकिंग प्रोसेस के खुलने से जब उन्हें समझ आया, उन्होंने एक अज्ञातवास, अज्ञातवास नहीं बोलूंगी, एकांतवास लिया। उनकी शादी हो चुकी थी, बेटा हुआ, फिर भी वो मन विचलित रहा हमेशा इन चीजों को जानने के लिए कि इंसान के जीवन में दुख क्यों आता है, पर्पस क्या है जिंदगी। ये सब चीजें जब उनको समझ आने लगी, ये सब चीजें वो समझने लगे, तब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। और जब ये घर छोड़ा तो फिर वो सन्यासी रूप में आ गए, और वहां से बस उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू हो गई। उसकी भी बहुत बहुत सुंदर कथा है। मेडिटेशन लोगों को, जब जब उन्होंने कुछ लोगों से बात करी, समझा इन चीजों को, तो उनको लगा ध्यान लगाओ और बैठो, भूखे प्यासे बैठे रहो, ध्यान लगाते रहो तो एनलाइटमेंट मिल जाएगी और ये सब चीजों का ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो बैठे, जंगल में चले गए, वहां बैठे, लेकिन कुछ लोगों ने देखा, पांच उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो मेन फॉलोअर्स कहे कहे जाते हैं, उन्होंने उन्हें ध्यान लगा के देखा कि बैठे हुए गेरुए वस्त्र में कोई बैठा हुआ है, बड़ा बिल्कुल शांत भाव से, कुछ ना खा रहा है ना पी रहा है, ऑब्जर्व किया कई दिन तक, तो उनके फॉलोअर्स बन गए। अब उसके बाद, लेकिन जब उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, वहीं पास में एक गांव था, वहां से एक लड़की, छोटी सी लड़की गुजर रही थी, उसके हाथ में खीर थी, पानी था। जब उसने देखा कि ये जो साधु जैसे दिखने वाले ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़े दुखी से, मतलब एकदम ऐसे कि जान नहीं हो शरीर में, जैसे यहाँ अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पिक्चर मैं थोड़ी सी बड़ी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, कि इस तरह का कोई इंसान बैठा हुआ है, आपको दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, तो इस तरह का कोई इंसान बैठा हुआ है, समाधि में बैठा हुआ है, पूजा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, तो उसे बड़ा दुख लगा, क्योंकि छोटी थी, इतना समझ नहीं थी दुनियादारी की, तो उसने उनको खीर दी उठा के कि थोड़ी सी खीर पी लो बाबा, आपके अंदर ताकत आ जाएगी, आप कब से बैठे हो यहाँ पर। जो सिद्धार्थ थे वो अभी तक बुद्ध बने नहीं थे, वो सिद्धार्थ ही थे, बस उनके ऊपर से प्रिंस का टैग हट चुका था। तो उन्होंने वो खीर पी ली। जब उन्होंने वो खीर पी तो उनको एहसास हुआ कि ये शरीर तो है अभी मेरा, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए मुझे इसको पोषित करना पड़ेगा, मुझे इसकी जो तकलीफें हैं वो भी झेलनी पड़ेंगी। जो पर्पस है वो फाइंड आउट करना है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इस शरीर से के निमित्त जो भी चीजें हैं वो भी मुझे करनी है। इस संसार में अगर मैं हूं तो इससे निमित्त जो भी चीजें हैं वो भी मुझे करनी है। तो जब ये चीज उनके दिमाग में आई, उन्होंने पानी पिया, उन्हें अच्छा लगा, वो गए नहर में नहाए, अच्छे कपड़े पहने, फिर उनको ये चीज समझ आई, तो जो उनके पांच डिसाइपल्स बन चुके थे, वो थोड़े से उनका दिमाग ऐसा हो गया कि भाई ये तो अभी तक तो हम इसको फॉलो कर रहे थे, ये तो बड़ा सन्यासी लग रहा था, लेकिन ये तो फिर उन्हीं चक्रों में फंस गया, खाना पीना नहाना अच्छे कपड़े पहनना ये सब, तो बड़ा दुखी, वो दुखी हुए, छोड़ दिया उन्होंने। अब वो तो चले गए, लेकिन इसके बाद इनकी जो शुद्धा थी इस चीज को समझने की कि ये क्या है, फिर भी जो कहते हैं ना, जब हमको पता होता है कि हम किस जर्नी पर निकले हैं और हमें सब चीजों को अक्यूमुलेट करना होता है, मतलब चीजों को एक साथ लेके उसको समझना जरूरी है, तो उन्होंने अपना जो मेडिटेशन था, जो ध्यान था,
और ये जो जर्नी थी इस चीज को पाने की, समझने की, वो कंटिन्यू रखी, वो छोड़ी नहीं। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते थे, एक पात्र था उनका जिसको भिक्षा पात्र कहा जाता है, वो लेके घर घर घूमते थे, जो भी भिक्षा मिलती थी, कच्चा पक्का जो भी मिलता था उसको ग्रहण करते थे। और वो क्यों करते थे, इस शरीर को चलाने के लिए। ठीक है, सो जो भिक्षाम देही का जो शब्द है वो यहां से आया है। इस पिक्चर में आप देखेंगे उनके 5 डिसाइपल्स हैं जो बैठे हुए हैं उनके पास। ये उनको फिर से ज्वाइन करेंगे कब, वो मैं आपको भी बताऊंगी। चलिए, बड़ा नहीं हो पा रहा है अभी। तो 5 डिसाइपल्स हैं उनके इस तरह से। अब ये जब मेडिटेशंस कर रहे थे, बहुत मेडिटेशंस किया और बहुत जगह घूम घूम के करा, तो एक दिन जब टॉरस यानी कि हमारी बुध पूर्णिमा वाले दिन जो अभी गई है, अप्रैल में आती है ना बुध पूर्णिमा, तो उसको टॉरस मून कहा जाता है, टॉरस फुल मून कहा जाता है इंग्लिश में, जो हमें, हम इसको बुध पूर्णिमा कहते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। रात के 12 बजे अचानक से यूनिवर्स से एक लाइट आती है और उनके क्राउन चक्रा में एंटर होती है। बस वो पॉइंट उनका एनलाइटमेंट पॉइंट था, जहां से वो बुद्ध बन गए। तो हमारे जो पीपल का पेड़ है, वो एक तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो वैसे ही बहुत पायस होती हैं, बहुत स्पिरिचुअल होती हैं। एक तरह से कहा जाता है, वैसे आप लोगों को जानकारी तो होगी कि पीपल का ही एक ऐसा पेड़ है जो 24/7 ऑक्सीजन देता है, वो कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। ठीक है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती हैं, उनमें बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। और जो लामा फेरा में भी हम इसको यूज करते हैं, इसकी बीड्स बनाई जाती हैं जड़ों की, जो हम यूज करते हैं हीलिंग्स में। तो ये जो पेड़ है, पीपल का ट्री है, इसको बोला जाने लगा बोधी ट्री, जिसके नीचे लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला, या सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट मिला, उनको वो शक्ति मिली, वो पावर मिली इन सब चीजों को जानने की, समझने की, जहां से वो बुद्ध बन गए। तो उसी तरह से हम सब लोग एक बुद्ध है, लेकिन वो एक आवरण हमने ओढ़ा हुआ है अपने ऊपर, एक एक तरह का एक हमने एक ऑरा, या आप ये बोल सकते हो एक बॉल सी ओढ़ी हुई है, एक ट्रांसपेरेंट सी शीट है जो हमें दिखती नहीं है। लेकिन जिस दिन वो हमारा ऑरा क्लीन होता है, या वो हम आवरण को हटा देते हैं, तो हम भी एक बुद्ध है। बुद्धा और कुछ नहीं है, अ पर्सन हु इज एनलाइटेंड विथ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ठीक है, जिसकी अपनी आत्मज्ञान की शक्ति बहुत जागृत हो चुकी है, जो स्पिरिचुअली हायर है एक नॉर्मल बीइंग से, जिसको इंट्यूशंस बहुत अच्छे से आ जाती हैं, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल हो चुका है। यूनिवर्स से जब कनेक्शन हो जाता है तो आपको अपने जीने का पर्पस भी समझ आता है, आपका सोल पर्पस समझ आता है, क्योंकि हर एक की सोल की जर्नी अलग होती है। हम कुछ ना कुछ अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, कुछ मदर के वूम से लेकर आते हैं, कुछ हमारे बचपन का होता है, इनर चाइल्ड होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं आज भी। ये सारे आवरण हैं, और जब हम इन आवरणों को हटाते हैं अपने ऊपर से, इस ऑरा को हटाते हैं, इन चदरों को हटाते हैं, तो हमारा एक्चुअल सेल्फ जो है, हमारा जो सोल का पर्पस है, वो हमें क्लियर होने लगता है। आप लोगों को अभी तक समझ आ रहा है, या मैं सिर्फ बोल रही हूं और आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं? एवरीवन इज गेटिंग कुछ आ रहा है मैडम? आ रहा है, आ रहा है। थैंक यू। ओके, सो इसमें मैं अभी आपको ये थोड़ा सा और ये बताना चाहती हूँ। अच्छा, 35 की एज में उन्होंने, उनको एनलाइटमेंट मिला था लॉर्ड बुद्धा को, ठीक है, जब उन्होंने सारी सफरिंग्स को एंड किया, क्योंकि मैंने कहा जैसे ये आवरण होते हैं, तो उन्होंने 4 शब्द दिए जिनका अर्थ मैं आप लोगों को समझाऊंगी। जब उनको एनलाइटमेंट मिला तो उन्होंने किन मेन 4 चीजों को समझा? सबसे पहले तो दुख क्या होता है, फिर समुदाय क्या होता है,
फिर निरोध क्या होता है? निरोधा मतलब कोई भी रोध नहीं है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, उसको निरोधा कहते हैं। और फिर मगा, ठीक है। तो दुख क्या है कि सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्ट करो कि आपको कोई दुख है। अगर मैं आज आपसे कुछ पूछती हूँ कि सब बढ़िया है, आप बोलोगे हाँ सब बढ़िया है, आजकल हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर ही रहे हैं सभी, थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं कि नहीं भाई, अगर कोई कुछ पूछे कि आपके आप ठीक हो तो हम क्या बोलते हैं, सब बढ़िया, बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी वो फ्रीक्वेंसीज जो है वो ऑरा में जाएंगी, एंड ऑरा से यूनिवर्स में जाएंगी, तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। लेकिन डीप डाउन अंडरस्टैंड योर सफरिंग्स, ये आपके लिए, दुनिया के लिए आप भले ही बोल दो कि नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिल के अंदर आपको पता है आपको प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब जानते, ठीक है। तो अपने उस सच्चाई से अनभिज्ञ ना रहें, उसको, उस सच्चाई को अवॉइड ना करें, उस चीज को समझें, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स के सोर्स को नहीं समझेंगे तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, राइट। अगर आपको कहीं पर मच्छर ने काटा है, उसका जहर फैल गया है, और आपको जो इचिंग हो रहा है वो कहीं और हो रहा है, आप उस इचिंग के ऊपर दवाई लगाते रहो लेकिन वो नहीं जाएगी जब तक आप जहां पर उसने काटा है वहां वहां का इलाज नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है ना। उसी तरह से जब तक हमें अपने दुख के बारे में नहीं पता है, उसकी जड़ नहीं मालूम है, तब तक हम उसको दूर नहीं कर सकते। उसके बाद समुदाय, वही जैसे आपको उसके ओरिजिन तक जाना। फिर निरोधा, निरोधा क्या है कि इस सफरिंग का अंत है, इस सच्चाई को आप माने, जिसको हम कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम, कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, लेकिन आपको उसके ऊपर बिलीव करने की जरूरत है। जब तक आप इस चीज को समझेंगे ही नहीं, आप इस चीज को मानेंगे ही नहीं कि भाई मेरी सफरिंग्स खत्म हो सकती हैं, तो उसके सॉल्यूशंस आप तक आएंगे ही नहीं कभी, क्योंकि आप उसके लिए वर्क ही नहीं करोगे ना, राइट। आपको रास्ते खुलेंगे कब? जब आपको रास्ते पे जाना है तभी तो रास्ते खुलेंगे। जब आप वहां पर बैरियर्स लगा के बैठे हुए हो तो आपको रास्ते दिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहां पर बिलीफ सिस्टम की भी वो बात करते हैं। फिर एक है मगा, सही पाथ उन सफरिंग्स को खत्म करने का, उसको मगा कहते हैं, ठीक है। तो जो पाथ है वो उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड करके हम लोगों के सामने भी रखा है, जो हम आगे आज करने वाले हैं।